स्वागत है आपका मिलत टाइम्स में। मैं आपके साथ रुखसार अहमद। यूपी के गाजियाबाद से दो मुस्लिम युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां मस्जिद के इमाम और एक फेरी वाले को नशे में धुत दो हिंदू समुदाय के लोगों ने उनकी रोक कर पिटाई कर दी। उन्होंने इमाम और फेरी वाले से जय श्री राम के नारे लगवाए, उन्हें बुरी तरह पीटने लगे। वहीं अपमानजनक धार्मिक टिप्पणी के साथ साथ उन्हें पाकिस्तानी और बम फोड़ने वाला बताया। इमाम साहब ने खेत में छुपकर अपनी जान बचाई, वहीं फेरी वालों को राहगीरों ने बचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो व्यक्ति सचिन और सनी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गुरुवार को एक मोदी नगर के सोदा इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक स्कूटी पर हैं। पहले वह मस्जिद के इमाम को रोकते हैं, उनको पाकिस्तानी बताकर मारपीट करते हैं। युवक कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जय बोल रहा है। मारपीट के बाद एक बुजुर्ग आते हैं और वह इमाम का बीच बचाव करते हैं और कहते हैं इन्हें क्यों मार रहे हो। थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक फेरी वाला मुस्लिम युवक भी आ जाता है। दोनों युवक उसे भी पकड़ लेते हैं। वे मुस्लिम युवक पर आरोप लगाते हैं कि वे बम फोड़ने की साजिश मामले में शामिल है। इसके बाद वे उसके साथ भी मारपीट और खींचातान करते हैं। इस दौरान आसपास काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और वहां के लोग फेरी वाले युवक को बचाते हैं। इस मामले में मस्जिद के इमाम का बयान सामने आया है। संजयपुरी मस्जिद के इमाम ने बताया है कि 1 सितंबर की शाम 5:30 बजे मैं असर की नमाज पढ़कर बुदाना सौंदा मार्ग पर टहलने निकला था। शराब के नशे में धुत स्कूटी सवार दो युवक ने गौशाला के पास मुझे रोक लिया, मुझसे भारत माता की जय के नारे लगवाए, जय श्री राम लगाने को कहा, मुझे कई थप्पड़ भी मारे और जान से मारने की धमकी भी दी। उन लड़कों ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो हम तुझे मार कर खेत में फेंक देंगे। मैं डर गया, जैसे तैसे छिप कर गन्ने के खेत में मैंने जान बचाई। मैंने मस्जिद के मुतव्विल फुरकान को फोन करके पूरी बात बताई, यूपी 112 पर भी सूचना दी। मुतव्विल फुरकान कई लोगों को लेकर वहां पहुंचे, तब जाकर मैं खेत से बाहर निकला और मेरी जान बच सकी। सुनिए उनका बयान। 5:15 पे हमारे यहाँ असर की नमाज शुरू होती है, तो लगभग 15 मिनट नमाज में लगे होंगे, यानी कि 5:30 बजे के करीब, 5 और 6 बजे के बीच में मैं यहाँ से टहलने के लिए निकला। जैसे शाम के वक्त लोग निकलते हैं वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए, इसी तरह मैं एक लड़के को, कैफ नाम का लड़का था, उसे साथ में लेकर टहलने के लिए निकला। जब मैं यहां से टहलने के लिए निकला तो गौशाला के आगे दो स्कूटरी सवार आ रहे थे। आने के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखते ही कह रहे, ओ मुल्ले ठहर जा, रुक जा। तो मैं रुका नहीं, मैंने सोचा कि शायद ये बदतमीजी कर लें, तो मैं लौटने लगा, उधर से चलने लगा, तो वो मेरे सामने आके स्कूटरी लगा दी उन्होंने और मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहने लगा कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, यानी ऐसे ऐसे शब्द वो कहने लगे जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगा। फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होने लगा। कई थप्पड़ मारी, मुझे ऐसे मारा जिससे कि अंदरूनी चोट पहुंच सके, और फिर उसके बाद जान से मारने की धमकी दी गई, तुझे जान से मार दूंगा, ईंट में फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। सारा नंबर पर कॉल किया, बीसी जा रहा था, फिर मुझसे हो नहीं पाया, तो मैंने एक अपने मस्जिद के जो मुतवल्ली माने जाते हैं फुरकान भाई, उनके पास मैंने कॉल किया कि भाई मैं ईंट में दुबका हुआ हूँ, मुझे मारने के लिए दो बंदे लग रहे हैं और जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। तो वो बेचारे एक आध लड़के को साथ में लेके वो आए, जब उन्होंने फोन किया, जब मैं ईंट से निकला, एक से निकलने के बाद फिर सारी बात उनसे बताई। तो फिर हम लोग थाना इंचार्ज साहब के पास गए, थाने पर गए, वहां पर क्या कहते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए, तो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की। और फेरी वाला कपड़ा बेचने वाला साधक ने बताया कि 1 सितंबर को कपड़ा बेचकर लौट रहा था। इस दौरान बुरदाना सौंदा मार्ग पर काफी भीड़ जमा थी, मैं भी रुक गया, मैंने पूछा क्या हो गया, तभी दोनों युवक ने मुझे रोक लिया, मुझे पाकिस्तानी बताया गया, मुझ पर किसी बम धमाके साजिश मामले में शामिल होने के आरोप लगाए, मुझे जय श्री राम नारा लगाने को कहा गया और धार्मिक भावनाओं के तहत मुझे गालियां दी गई।
ऐसा नहीं करने पर मेरी पिटाई कर दी। मैं हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, फिर कुछ लोगों ने आकर मुझे बचाया। बता दें, इस मामले में मोदीनगर सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में संजयपुरी मस्जिद के इमाम सादक द्वारा सचिन और सनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों पास के ही गांव के रहने वाले हैं। धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचाने और मारपीट, धमकी देने और गाली गलौज की धाराएं लगाई गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सवाल ये उठता है कि इस तरह से जय श्री राम के नारे लगाने जैसे मामले लगातार यूपी से सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप हमारी इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।